तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि इस चैप्टर का जो धातु अधातु और धातु कर्म चल रहा था, इसका इस जो है कि चैप्टर का ये आपका अंतिम वीडियो है। और इसमें जो है जितने भी आपके प्रश्न हैं, इस वीडियो में टोटल जो है प्रश्नों का जो है कि सोल्यूशन कवर किया जाएगा। और हमारे साथ शुरू से अंत तक जो है कि हमारे साथ जुड़े रहेगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि देखे थे, इसके पिछले वाले हम लोग वीडियो में देखे थे जो है कि 41 से लेकर के जो है कि हम लोग देखे थे जो है कि 50 तक के प्रश्नों का सलूशन, 41 से 50 तक के प्रश्नों का सलूशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 51 नंबर से लेकर के जो है कि 63 नंबर तक के जो प्रश्न हैं उनका सलूशन जो है कि हम लोग देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो को जो है कि जाते जाते लाइक कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो। ठीक है, चलिए इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीतल, ठीक है, पीतल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, पीतल दिया हुआ है, कांसा दिया हुआ है और इसके बाद जर्मन सिल्वर दिया हुआ है में उपस्थित जो है धातु है, यानी कि तीनों में कौन सी ऐसी धातु है जो आपकी उपस्थित होती है। तो आपको पता ही है मेरे प्रिय छात्रों कि जो आपका पीतल होता है यह आपका मिश्र धातु, ये जो आपके तीनों जो है मिश्र धातु, यानी पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर जो है मिश्र धातु है। आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जो का पीतल होता है, पीतल में जो है मिश्र जो संगठन होता है, यानी पीतल में जो है कि इसमें उपस्थित होता है कापर भी पीतल में उपस्थित होता है, जो कि कापर की मात्रा होती है पीतल में जो है 70% होती है कापर की मात्रा। इसके बाद जो है इसमें जिंक भी होता है, जेडेन होता है, जो कि जिंक आपका पाया जाता है 30% पाया जाता है जिंक इस कापर के पीतल की हम लोग बात करते हैं, तो कापर और इसमें जिंक आपका मिश्रित होता है, ठीक है। और इसके बाद कांसा की बात करें तो कांसा में जो होता है, कांसा में आपके पाए जाते हैं कापर और जिंक, कापर जो और टिन पाया जाता है, कापर पाया जाता है और क्या पाया जाता है, टिन, यानी कि कापर पाया जाता है। कापर जो होता है आपका 88% होता है। इसके बाद एसएन जो है आपका ये टिन है, टिन जो है आपका 12% पाया जाता है, ठीक है, टिन कितना परसेंट पाया जाता है 12%, तो कांसा में ये हो गया। और जो जर्मन सिल्वर होता है ना, जर्मन सिल्वर में जो है आपका जस्ता, यानी कि टिन को हम लोग जस्ता ही बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जस्ता। इसके बाद जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें कापर की भी मात्रा होती है, और जो है कि इसमें जर्मन सिल्वर में आपकी कापर की मात्रा होती है, कापर की मात्रा कितना परसेंट होती है देख लीजिए, कापर की मात्रा जो है आपकी 60% होती है। इसके बाद जो आपका जिंक होता है, जेडन जो होता है, ये आपका जो है जस्ता है, जो कि आपका 20% होता है जस्ता। इसके बाद इसमें निकिल भी होता है, यानी कि निकिल जो है Ni है, जो कि आपका होता है कितना 20%, कितना परसेंट होता है 20%, ठीक है, यानी कि यहाँ से इतना आपका होता है। तो आप देखिएगा, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि कौन सा ऐसा जो मिश्र धातु है, पीतल, कांसा और जो जर्मन आपका जो तीनों मिश्र धातु दिया गया है, इसमें कौन सा ऐसा जो है, ठीक है, धातु जो तीनों में है, तीनों में कौन सी धातु उपस्थित है आप मिला सकते हैं। यानी कि जो कापर होता है ना, कापर जो है आपका तीनों में मिश्रित होता है, यानी कि पीतल में भी, कांसा में भी, जर्मन सिल्वर में भी कापर आपका मिश्रित होता है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, मैग्नीशियम भी दिया गया है, कापर और एल्युमिनियम, यानी कि जो ये आपका कापर होता है ना, कापर जो है तीनों, यानी उपस्थित जो तीनों में होता है आपका कापर होता है, जो कि आपका 51 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं जो है कि 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम आपका 52 नंबर क्वेश्चन वही है। देखिए जर्मन सिल्वर में है, देखिए अभी मैं बताया हूँ कि जर्मन जो सिल्वर होता है उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मन सिल्वर में क्या क्या उपस्थित होता है। यहाँ पर अभी मैं समझाया हूँ कि जर्मन सिल्वर में जो है कापर उपस्थित होता है, जेडन होता है और क्या होता है Ni, यानी तीनों जो है कि मिले होते हैं जर्मन जो है कि सिल्वर में। तो अभी मैं बता दिया हूँ, देखिए यहाँ पर कापर है, Sn है और क्या है Ni, जर्मन सिल्वर कापर है और Sn है, Ni है, ये है कि या Ag, Zn, Cu है,
जेड एन सी यू प्लस एन आई है ए जी, और जेड एन प्लस क्या है एन आई आपका है। तो आप देख सकते हैं जो है कि जर्मन सिल्वर में जो है कि क्या क्या आपका उपस्थित होता है। तो यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका यहाँ से हम लोग एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। आप जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कापर है, जेड एन है और एन आई, यानी जिसमें कापर जेड एन और एन आई होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसमें है कापर है, जेड एन है और ये क्या है एन आई आपका है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, जर्मन सिल्वर में ये जो है तीनों आपके मिश्रित होती हैं। ठीक है, और कितना परसेंट होता है अभी मैं बता चुका हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है 53 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। कह रहा है कि जो मुद्रा धातु है मिश्र धातु, मुद्रा जो मिश्र यानी कि आपको पता है कि जो सिक्का है एक मिश्र धातु होता है, यानी सिक्का कई धातुओं से जो है कि मिलकर बना होता है। जो कि मुद्राएं सिक्के बनाने के काम आती हैं का संगठन है, यानी कि मुद्रा यानी कि मिश्र धातु जो होती हैं, यानी कि आपकी सिक्के बनाने के काम आती हैं मिश्र धातु। तो वो जो मिश्र धातु आपकी मुद्रा यानी कि देखिए यहाँ पर मुद्रा जो कि मुद्रा दिया हुआ है यानी सिक्का बनाने वाली धातु, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी धातुएं जो है आपकी संगठित होती हैं, यानी कि उसमें क्या क्या आपका मिलाया जाता है। मुद्रा जो धातु, मुद्रा जो मिश्रित मिश्र धातु होती है उसमें क्या क्या आपका मिलाया जाता है। देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपकी, जो मुद्रा जो है कि मिश्र धातु होती है इसमें आपका कापर भी होता है सीयू, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कापर जो है आपका जो है 95% होता है, कापर 95% होता है इसमें मेरे प्रिय छात्रों। इसके बाद जो है कि टीन की मात्रा आपकी होती है 4%, एसएन टीने है ना, ठीक है। इसके बाद जो है पी की मात्रा होती है आपकी 1%, ठीक है, यानी कि ये तीनों जो हैं जब मिलती हैं तो इनसे यानी इन तीनों को मिला करके जो है कि मुद्रा धातु यानी कि सिक्के बनाया जो है कि जाता है। तो आपका कापर हो गया, एसएन हो गया और क्या हो गया पी, यानी कि सी यू एसएन और पी। इसमें आप देख सकते हैं कौन कितना परसेंट आपका है, यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, तो जो भी आपका ऑप्शन में मिलेगा तो ऑप्शन वही आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको परसेंटेज भी याद रखना पड़ेगा तभी आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ऑप्शन लगभग सेम है लेकिन परसेंटेज अलग अलग है, तो जब तक आपको परसेंटेज पता नहीं रहेगा तब तक आप जो है इस ऑप्शन को ढूंढ नहीं सकते हैं, तो आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। तो यानी कि जो सिक्का बनाने वाली धातु है सी यू 95% होता है, एस एन जो है 4%, पी जो है आपका 1% होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सॉरी ये आपका कौन 53 नंबर क्वेश्चन ही था, 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, देखिए यहाँ पर ये भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्रिय छात्रों को। देखिए आपको याद हो गया होगा कि जर्मन जो सिल्वर होता है इसमें जो है क्या क्या आपका मिलाया जाता है। तो आइए यहाँ पर देखिए स्वर्ण और रजत, इसमें तीनें आपके दो ही हैं तो ये तो कट हो जाए, क्योंकि जर्मन सिल्वर में जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु वह तीन से आपके मिलकर बनी होती है। तांबा रजत ये भी आपके दो है तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो गया दो है, इन दोनों में से आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर तांबा दिया हुआ है जस्ता, तो तांबा तो जस्ता आपका होता है लेकिन उसमें रजत नहीं होता है, तो ये आपका ये भी कैंसिल हो गया। तांबा जस्ता और क्या होता है निकेल होता है, यानी कि आपका कापर होता है, ठीक है, यानी कि सी यू होता है आपका, एस एन होता है, इसके बाद क्या होता है एन आई जो है आपका होता है, यानी कि सी यू होता है और जो है कि जेड एन होता है और क्या होता है एस एन आपका होता है, सॉरी कापर सी यू होता है, इसके बाद एस एन होता है, इसके बाद क्या होता है सी यू होता है, इसके बाद जेड एन, यहाँ पर एस एन हम लिख दिए, जेड एन है जस्ता है ना जिंग, जेड एन जस्ता, ठीक है, इसके बाद क्या है एन आई आपका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर भी मैं आपको समझाया हूँ, देखिए जर्मन सिल्वर में यहाँ पर आपका दे रखा था, ठीक है, जेड एन है और एन आई है, सी यू है, यहाँ पर जर्मन सिल्वर है, तो आप यहाँ से अगर वो ऑप्शन आपको याद हो तो आसानी से यहाँ पर भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कापर जस्ता और क्या है निकिल, ठीक है, यानी कि सी यू जेड एन और क्या है एन आई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 55 नंबर आप देखिएगा ध्यान से,
55 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास है, कह रहे कि बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस। देखिए बल्ब में जो प्रयुक्त की जाती है वो गैस कौन सी है, बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन आपका दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, इसके बाद आर्गन गैस दे रखा है, इसके बाद जो है आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि बल्ब में कौन सी गैस जो है प्रयुक्त की जाती है, यानी कि आर्गन गैस जो है बल्ब में भरी जाती है। ये जो 100 वाट वाला जो बल्ब होता है ना, ठीक है, उसमें जो है आर्गन गैस भरी जाती है। तो ये एलईडी बल्ब नहीं है, ठीक है, ये बल्ब है जिसमें आर्गन गैस जो है कि बल्ब जो है कि भरा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 55 यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी, यानी प्रगलन जो होता है वह, यानी प्रगलन के लिए कौन सी भट्टी हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पर 56 नंबर का यहाँ पर दे रखा है परावर्तनी भट्टी, और यहाँ पर बी दिया हुआ है मफल भट्टी, इसके बाद सी दिया हुआ है सीमेंट मार्टिन खुली भट्टी, इसके बाद डी दिया हुआ है वात्या भट्टी। यहाँ पर प्रगलन के लिए जो भट्टी उपयोग की जाती है, याद रखिएगा हमेशा प्रगलन के लिए जो है परावर्तनीय भट्टी उपयोग की जाती है। तो ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है, यानी कि जो है कि प्रगलन जो है कि प्रगलन के लिए जो है कि हम लोग उपयोग करते हैं परावर्तनीय भट्टी, यानी परावर्तनीय भट्टी जो है प्रगलन के लिए उपयोग करते हैं। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं 57 नंबर है। नाइट्रक्स ऑक्साइड निम्न में से क्या कहलाती है, नाइट्रक्स ऑक्साइड जो है निम्न में से क्या है, हास्य जो है गैस है यानी कि हंसने वाला जो गैस है, आंसू गैस है, या प्रोड्यूसर गैस है, या क्या है, मेथेन गैस है। तो नाइट्रक्स ऑक्साइड जो होता है आपका जो है कि हास्य गैस होता है, ठीक है, नाइट्रक्स ऑक्साइड जो है क्या होता है, हास्य गैस, यानी कि इस गैस को यदि आप सूंघ लेते हैं तो हंसना शुरू कर देंगे, यानी कि नाइट्रक्स ऑक्साइड जो है आपका जो है कि हास्य गैस कहलाती है, यानी कि हंसने वाला गैस, इसको आप यदि सूंघ लेते हैं तो हंसना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये 57 नंबर रहा। इसके बाद 58 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर आ गया, आपको ये तो फार्मूला आपको पता ही होगा कि ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या है, यानी ब्लीचिंग पाउडर में से कौन सा फार्मूला आपका करेक्ट है। यहाँ पर दिया है CaSO4.2H2O, इसके बाद दिया हुआ है BCaOCl2, ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है CaCO3, यहाँ पर दिया है CO, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो कि 58 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट होगा, CaOCl2, ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर है, ये आप देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा फार्मूला है आपका यहाँ पे। अगला है अम्लराज, ठीक है, 59 नंबर की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अम्लराज होते हैं, अम्लराज भाई क्या है, उपधातु है, या यौगिक है, या मिश्र धातु है, या विषमांगी मिश्रण है। अम्लराज नहीं है, गलत में पढ़ रहा हूँ, अमलगम है, ठीक है, अमलगम है, अम्लराज हम पढ़ रहे हैं, मिस्टेक हो गया, ये अमलगम है, अमलगम होते हैं, अमलगम जो है क्या है, धातु है, यौगिक है, जो है कि मिश्र धातु है, या विषमांगी मिश्रण है। आपका 59 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट होगा, मिश्र धातु है। अमलगम जो है कौन सी धातु है, यह आपके मिश्र धातु है अमलगम, ठीक है, ये जो है आपका आंसर आपका करेक्ट। तो अमलगम जो है मिश्र धातु आपकी है, तो इसे आप लोग याद रखेगा, जो भी ऑप्शनल है तो ऑप्शनल सभी को सभी ऑप्शनल जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर आइए 60 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है, यानी कि FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड जो है कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या करने के लिए मिलाया जाता है, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड यानी कि अभिक्रिया के लिए मिलाया जाता है, या उत्प्रेरक के लिए रूप में मिलाया जाता है, या FeCl3 को शुष्क बनाने रखने के लिए मिलाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 60 नंबर का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है
60 नंबर का सी करेक्ट है, यानी एफ ए सी एल टू सी एल थ्री को शुष्क रखने के लिए, क्या करने के लिए, शुष्क जो है कि रखने के लिए हम लोग मिलाते हैं क्या, जो है कि फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड जो है कि मिलाया जाता है इसको शुष्क बनाने के लिए। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों जो है कि 51 से लेकर के जो है 60 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन रहा। और अभी तक हमारे साथ आप नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और शेष और भी जो है कि यहाँ पे और भी यहाँ पे सॉरी इसमें और क्वेश्चन है, अभी 60 तक हुआ ना, अभी और क्वेश्चन है, हम कहेंगे ये समाप्त हो गया, ठीक है। और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, 61 नंबर भी है, 63 नंबर तक है, 61 नंबर देखिए, 61 नंबर है चिली साल्ट पेटर, ठीक है, चिली साल्ट पेटर नाम है, चिली साल्ट पेटर जो है आपका नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट है, चिली साल्ट पेटर का नाम पोटेशियम नाइट्रेट है या पोटेशियम सल्फेट है या सोडियम नाइट्रेट है या सोडियम सल्फेट है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट को जो है चिली साल्ट पीटर, ये साल्ट पेटर नहीं है, साल्ट पीटर है, साल्ट पीटर, ठीक है, साल्ट पीटर है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट को जो है, यानी सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यानी सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है, साल्ट पेटर है या पीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, चिली साल्ट पीटर होना चाहिए। अगला है 62 नंबर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है हाइलोजनेशन जो है हाइलोजनेशन ये क्या है, संकलन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हम लोग को ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, रुके मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइलोजनीकरण, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसमें, हाइलोजनीकरण, ठीक है, हाइलोजनीकरण है, ठीक है, हाइलोजनीकरण जो है क्या है, इसमें संकलन है, संकलन अभिक्रिया है जो है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसके बाद अपचयन अभिक्रिया है, हाइलोजनीकरण जो है आपका युगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर युगात्मक अभिक्रिया या इसी को हम लोग संकलन जो अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग लास्ट नंबर पे चलते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 63 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है, इसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें जो है कि एल्यूमिनियम नहीं होता है, एलनिको में, इसके बाद ड्यूरेलियम में, इसके बाद जर्मन सिल्वर में, इसके बाद दे रखा है मैग्नीलियम में, ठीक है, इसमें से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 63 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जर्मन सिल्वर में जो है आपका एल्युमिनियम जो है कि नहीं होता है, ठीक है, तो 63 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि ये वीडियो आपको पसंद ज़्यादा आई होगी तो। दोस्तों इसी के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, आपका ये जो है कि इस वीडियो में आपको जो है कि 15 नंबर जो है कि चैप्टर नंबर 15 जो है कि ये चल रहा था जो कि ये समाप्त हो गया है, और अगले वीडियो में चैप्टर नंबर जो है कि आपका 16 शुरू किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।